Assalamu alaikum viewers, we are back in another vlog, in another video, in another recipe. So, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त. गोश्त में हमने चिकन लिया है, आधा किलो अरबी भी है. उसको हमने धो के अच्छी तरह नमक लगा के उसको जो है अभी धो लिया है. उसके साथ हमने चिकन साफ करके अच्छा अच्छी तरह स्पाइस करके रख लिया है. तो अभी हमने जो है वो प्याज वगैरह काट के लहसुन अदरक उसकी पेस्ट बना के रख ली है. उसके साथ हमने अभी इसमें डाल दिया है अपना घी और नीचे से हमने फ्लेम कर दिया है ऑन और बीच में हमने डाल दिया है जो बड़ी कटी हुई प्याज थी. तो पहले हम जो है वो प्याज को ब्राउन करेंगे अच्छी तरह. ब्राउन करने के बाद फिर हम जो है वो अपना जो चिकन है उसको अच्छी तरह भुनेंगे. उसकी जो स्मेल होती है वो उसको ख़त्म करेंगे. लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह भुनेंगे. उसको अच्छी तरह भुनने के बाद एंड पे हम जो है अरबी डालेंगे ताकि जो है हमारी गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए. इसके साथ हमने नींबू लिए हैं दो से तीन, वो भी हम साथ में जोड़ेंगे ताकि जो अरबी की जो एक लेस होती है वो ख़त्म हो जाए. तो आज एक मज़ेदार सी रेसिपी हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं. होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगी. आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा. बहुत सिंपल है, ईजी है, फटाफट बन जाएगी इंशाल्लाह. तो अभी सबसे पहले हम जो है अपना ग्रेवी तैयार करके प्याज को ब्राउन करेंगे. तो उसके बाद फिर हम जो है बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे साथ साथ आपसे बात भी होती जा रही है. आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही थी, तकरीबन दोपहर को ही हवाएं चलने लगी थी. तो सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हीट हुई थी. तो लेकिन जो 1:30 बजे 2 बजे के बाद जो है हवा चलने लगी, बादल भी आ गए हैं. तो अभी और एक हिस्से में बारिश भी हुई है, इस तरफ नहीं हुई हमारी तरफ. तो बादल अभी भी हैं, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है. तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम जो है अपना जो हमारी हांडी है आज की वो बना लें. सबसे पहले गैस का भी इशू रहता है, गैस भी कभी कभार नहीं आती. तो फिर उसके लिए हमने अपना सिलेंडर भर के रखा हुआ, उसमें बनाते हैं. लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है. तो अगर गैस आ रही हो तो फिर उसमें जल्दी और फटाफट जो है हमारी हांडी तैयार हो जाती है. हमें थोड़ी देर पहले से ही ऑफिस से आए थे आज. तो मैंने सदैव भाई को कहा था कि आज हम जो है अरबी गोश्त बनाएंगे, उसके लिए जाके सामान वगैरह ले लो. ये तो भाई ने आके सामान वगैरह ले लिया था. तो भाई ने काट भी दिया था, प्याज वगैरह भी रेडी कर दिया था, अरबी भी काट दी. तकरीबन सारा सामान जो मुझे आज रेडी मिला है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. सदैव भाई ने किया सारा. तो मैंने सिर्फ आके जो है सिर्फ मेरे ख्याल में गोश्त मैंने धोया, बाकी सारा काम आज चले भाई ने किया. तो बस अभी जो है वो अपना हांडी जो है आज की वो मैंने रख ली है. तो साथ साथ आपसे बात भी हो रही है. तो मेरी हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें ताकि जो है हम थोड़ा सा मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं जिससे आप इंटरटेन हों. हमें भी थोड़ा पता चले कि ये लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं. तो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो लोग देखते हैं, जो हमें लाइक करते हैं, जो हमें कमेंट करते हैं, जो हमारी रेसिपीज को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. तो उनसे मज़ीद रिक्वेस्ट भी है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आगे शेयर भी करें. आज मौसम जो है बहुत ही मज़े का है, ठंड ठंडी हवा चल रही है. तो अभी ये हांडी बना के आपके सामने रेसिपी आपके साथ शेयर करके, क्योंकि अभी बाकी दोस्त जो हैं वो भी ऑफिस वगैरह से आए नहीं हैं सारे. हम दो बंदे ही हैं, मैं और शादेव भाई. उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी भी है और ये भी है कि हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं आके अपने लिए कि हमें खाना जो है अपना घर का बना अपने हाथ से पका हुआ अच्छा मिल जाए. भाई से एक तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो इतना मज़े का भी नहीं होता, इतना मज़ा भी नहीं आता.
खाने का भी जो है वो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम जो है वो ऑफिस के बाहर जो है वो खुद से जो है अपना सालन वगैरह तैयार करते हैं, हांडी वगैरह जो भी हमारे हमने पकाना हो खाना हो तो अपनी पसंद का अपनी मर्जी का जो भी वो है वो हम डेली बनाते हैं, और आपके साथ भी इसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं कैसे हम बनाते हैं, और साथ साथ आपसे बात भी होती रहती है। जॉब के साथ साथ ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा दिन बंदा काम की वजह से थोड़ा थका होता है, फिर शाम को आके आपको ये हंडिया भी और हांडी भी बनानी पड़े, इसके साथ और भी बहुत से काम होते हैं जैसे कि सफाई वगैरह होगी, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो थोड़ी मुश्किल तो होती है लेकिन क्या करें, हम करना पड़ता है क्योंकि पेट का काम है तो मजबूरी कह लें या कह लें कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम दो लोग आके ये काम कर लेते हैं तो बाकी भी जो है घर का अच्छा खाना खा लेते हैं, उनके ये है कि अब दो तीन लोगों को तो स्टमक का मसला भी है, क्योंकि बाइक का जो है आपका कि हम लोग हमारे स्टमक खराब हो गए हैं, इसलिए हम दो बंदे आके थोड़ी सी कुर्बानी दे लेते हैं कि चलें बाकी लोग जो हैं जिनके मसले मसाइल हैं उनके साथ उनको बाइक का खाना ना पड़े। कोशिश करते हैं कि डेली हम जो है घर पर बना रहे, अगर कभी एक बार जो है हम लोग लेट भी हो जाते हैं तो नहीं भी बनता, इसलिए कि मजबूरी है कि बाइक से मंगाना पड़ता है, क्योंकि खाना तो खाना है। तो आज जो है हमने चिकन की रेसिपी जो है वो अरबी के साथ बनानी है, मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत इजी है, इतना टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ गैस की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि गैस जो है वो बहुत कम आती है। तो अभी जो है खाने का टाइम है, इस टाइम मुझे हर बंदा ही खाना बना रहा होता है, फैमिली खाना बना रही होती है, इस टाइम जो ऊपर जो है वो गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है, तो अभी थोड़ी देर तक जो है इसका इसका जो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मुझे तकरीबन यहाँ लाहौर में आए हुए 15 से 17 साल हो गए हैं, तो मैं तो अब खाना बनाना जो है वो अच्छी तरह से मतलब ट्रेन हो चुका हूँ, शदेव भाई हैं वो भी बना लेते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि शाम को जो है वो मैं खुद ही सालन वगैरह बनाऊँ आके, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, किसी दिन इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी हमें बना के अपने हाथों से बहुत अच्छी रेसिपी बना के खिलाएँ, तो किसी दिन इनके साथ भी हम जो है वो थोड़ा गपशप हो जाएंगे, इनकी जो है रेसिपी इनका जो बनाने का स्टाइल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, मुझे 17 साल हो गए तकरीबन हाल में, तो शुरू में हम लोगों ने भी बड़ा जो है वो देखा टाइम देखा है, जिसे बाहर से खाना पड़ता था, और स्पेशली जब रमज़ान आते थे रमज़ान में आपको पता है कि बाहर पर खाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कभी कभार को खाया ही नहीं जाता था, ऐसे ही बस पानी पी के थोड़ा बहुत एक दो हमारे लगा के तो हमने रोज़ा रख लेना, तो शाम को उतारी के टाइम भी इतना मज़ा नहीं आता था, फिर ये हुआ कि कुछ दोस्त मिल गए जो रही गया कहाँ से थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने सब ने मिल के बैठ के डिसाइड किया कि बेटर है कि हम लोग अपना एक बजट बना लें, और उस बजट में अंदर हम लोग खाना पकाना शुरू करें। तो हम लोगों ने अपनी जो है ड्यूटीज़ जैसे हमारी ऑफिस में लेडीज होती हैं वैसे ही हमने कर दिया आके ना अपनी लेडीज जो कर सकता था जो बंदा जो भी कर सकता था, उसने कहा कि अगर कोई सालन नहीं बना सकता तो वो बर्तन धो लेता, अगर कोई बर्तन नहीं धो सकता तो सब्जी ले आता, अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो सब्जी को काट देता। तो एक दो बंदे हम थे जो खाना हम बना लेते, सुबह का नाश्ता जो है वो मैं बनाता था, रोटी वगैरह हम घर पर बनाते थे, इसलिए हमारे पास तवा भी है, बेलन भी है, सब कुछ एक जो घर में चीज़ें होती हैं खाना बनाने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो सुबह दोपहरी के टाइम हमने जो है वो पराठे बनाने होते थे, अगर किसी ने सादा रोटी खानी है तो हम सादा रोटी बना लेते थे, अगर किसी ने पराठा खाना है तो उसको पराठा बना के रखते थे। तो इस तरह करके हमने जो है वो ये काम शुरू किया, तब से अब तक ये चलता ही आ रहा है, जो भी वो तो खैर लोग चले गए जो हमारे साथ, इन्होंने 8-9 साल हमने साथ में गुजारे, तो वो लोग तो चले गए, लेकिन बाकी
अभी जो है वो भी ऐसा ही है कि कोई बर्तन धो लेता है, कोई सब्जी ले आता है, बाहर के काम करवा लेता है, और जैसे मैं के खाने बना लेता हूँ, साथ में जो है उनकी कटाई वगैरह भी कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग मिलजुल के सारा काम करते हैं। ये नहीं है कि किसी एक के ऊपर डाल दें कि यार ये मैंने ही करना है तो मैंने ही करना है, नहीं, सारे मिलजुल के जो है वो करते हैं सारा कुछ। जिसको बनाना नहीं आता है वो दूसरे काम कर लेता है, कोई बर्तन धो देता है, कोई सब्जी काट देता है, कोई सब्जी ले आता है। तो अभी हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होने वाला है, तो जैसे ही प्याज ब्राउन होगा उसके बाद हम चिकन डालेंगे। तो मैंने आपके साथ बोला था कब कहा भी था कि गैस हमारी चली गई है, तो हमने जो है वो ऐड ऑन कर लिया था अपना सिलेंडर। अभी हम लहसुन अदरक का पेस्ट और जो ग्रीन चिली हमने मीट में जो है वो पीसी पीसी वो ऐड कर दी है। अभी इसको अच्छी तरह भुनेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे इसको गैस जो है ना वीवर हमें हमेशा ही धोखा दे देती है। तो गैस इस टाइम जो है वो सारी खाना बना रही होती है। अच्छी तरह जो है वो मोल लेंगे। इसके बाद जो है हम अभी अपने जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। आज काली मिर्च जो है हमारी ख़त्म हुई है, तो हम रेड चिली ही डालेंगे। नमक डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। बस हरी मिर्च ही ज़्यादा है। 1 से 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, 1 से 1.5 चम्मच हमने ऐड किए। रेड चिली के साथ हम ऐड करेंगे टमेटो पाउडर हाफ टीस्पून। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। साथ में हम जो है गैस भी देख सकते हैं, नहीं अभी गैस नहीं है। तो इसके साथ में जो है हमारे टमाटर जो है हमने छिले बगैर और काटे बगैर हमने ऐसी बहुत जो है करके डाल देने हैं। दो टुकड़े करके हमने ऐड करते हैं। टमाटर हम काटते नहीं हैं क्योंकि अगर बीच भी काटेंगे छिलका रह जाता है बीच में, जो कि स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह हम जो है इसका छिलका उतार देंगे चम्मच की मदद से। ज़्यादा मुश्किल काम भी बहुत ईजी है, फटाफट जो है वो कुछ छिलका भी उतर जाता है। अभी इसके साथ ही जो है अपना जो चिकन है ये भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी भी अच्छी तरह बनाई करनी है, इसकी जो स्मेल है वो खत्म करनी है। अच्छी तरह इसको भूनना है। गैस की वजह से जो है वो आज मसला बन गया है। देखिए तो हम अच्छी तरह इसकी बनाई करेंगे। इसके साथ ही हमारे टमाटर भी हैं अच्छी तरह और बन जाएंगे। कभी गैस बन जाएगा तब तक हमारा वो भी गल जाएगा, वो भी भुन जाएगा अच्छी तरह से। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनते हैं, उसके बाद जानी जैसे ही हम अभी ऐड करेंगे फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। चिकन की हमने इसी तरह बुनाई कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अरबी गाँव अरबी गोश्त। आज जो है चिकन अरबी गोश्त हम बना रहे हैं और साथ में आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता
फटाफट बन जाएगी। गोश्त हमने एक्स्ट्रा भून लिया था, अभी सर्दी के साथ भी इसको अच्छी तरह बनाई करेंगे। और साथ में जो है इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। अगर नींद भी मिलते तो आप इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी दही। नींबू भी खुश्की आए है ना, खुशी भी नहीं है बात नहीं है, थोड़ा बहुत निकलेगा और उसमें छेद लेते हैं। सारे मालूम है है कुछ नहीं सख्त है नहीं सख्त ज्यादा नहीं। नींबू जोड़ दिए हैं इसमें, एक जोड़ने के अच्छे से ज़्यादा निकला नहीं, खुश्क नींबू है काफ़ी। तो अभी हम इसकी चीज़ बनाई करते हैं, तो फाइनल रुक आपको फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह। हमारी जो है वो सब्जी को तैयार हो चुका है, थोड़ा सा धनिया था उसके लिए वो हमने ऐड कर दिया है, देखिए कितना प्यारा कलर आया, लाइन को बंद कर देंगे तो ये देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर है। थोड़ी सी ग्रेवी रखी हमने ताकि जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खुश्क ना हो जाए, तो वो हमने इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। आप अगर इसको ज़्यादा खुश करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो भी बाकी तो साथ में तो फिर खाने की टेबल पे। तो व्यूअर्स व्यूअर भी हमारी आ गई है, अभी हम इसको करेंगे टेस्ट और बताएंगे कैसा कैसा बनाया सारा। अरे आलू अरबी कह रहे सॉरी अरबी अरबी गोश्त में है, बहुत मज़े का बनाए। हाँ जी मिलेगा डेल से बनाई है भाई ने, थोड़ी ट्राई करें रेसिपी आगे तक शेयर कर दी है, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, इंशाल्लाह।